नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले तो पिछले 5 दिनों से चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये बता भी नहीं पाया और फिर उसके बाद मैं वीडियोज़ भी नहीं आ पाई आप लोगों के लिए। तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट न्यूज़ वाली जो सीरीज़ है उसको अभी हम लोग थोड़ा पॉज कर रहे हैं, उसको हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी 3-4 दिन में कुछ भी काम पड़ सकता है, तो ऐसे में फिर वो वापस से इरेगुलर हो जाएगा। तो मंडे से हम लोग उसको कंटिन्यू एकदम रेगुलर तरीके से, फिर आप लोगों को रोज वीडियोस जो है वो देखने के लिए मिलती रहेंगी। अब हम लोग फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, और वो निकल कर आ रही है इंडिया के एक्सपोर्ट को लेकर। रिसेंटली इंडिया ने 20 पैसेंजर कोचेज जो है ये एक्सपोर्ट किए हैं श्रीलंका को। ये एक पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट है, यानी कि टोटल 160 कोचेज जो है पैसेंजर कोचेज ये सप्लाई किए जाने वाले हैं श्रीलंकन रेलवेज को, जिसमें से 60 कोचेज जो है ये ऑलरेडी सप्लाई कर दिए गए थे और अभी 20 कोचेज जो है इनको और सप्लाई कर दिया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें, तो हमारी यहां पर जो श्रीलंकन रेलवेज है उसने यहां पर अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है कि उनको किस तरह के कोचेस चाहिए, उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ में ये सभी की रिक्वायरमेंट्स जो है ये बताई आईसीएफ चेन्नई को, और आईसीएफ चेन्नई ने उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सभी कोचेस जो है इनको डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया, और अब ये 20 कोचेस जो है इनको भेज दिया गया है श्रीलंका। इसके पहले भी काफी सारे एक्सपोर्ट्स किए गए थे श्रीलंका को, इसके बारे में हम लोग आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो पूरा एक्सपोर्ट वाला भी सिलसिला चल रहा है श्रीलंका को, ये एक कंसाइनमेंट का हिस्सा है। अब कंसाइनमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया ने श्रीलंका को $318 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। उस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके श्रीलंकन रेलवेज ने $82.6 मिलियन का एक ऑर्डर जो है ये प्लेस किया है, जिसके अंदर टोटल 160 कोचेज जो है ये सप्लाई किए जाने वाले हैं श्रीलंकन रेलवेज को, जिसमें से 60 कोचेज जो है ये पहले ही सप्लाई कर दिए गए थे और अभी 20 कोचेज जो है इनको और सप्लाई कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में भी हम लोगों को 80 कोचेज जो है इनका और मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ दिखेगा और इनको आगे जाकर और सप्लाई किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो 160 पैसेंजर कोचेस ट्रांसफर करने का या फिर एक तरीके से बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये रिट्स के साथ में हुआ है। रिट्स का मतलब यहां पर है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। तो रिट्स के साथ में श्रीलंकन रेलवेज का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, और रिट्स जो है वो यहां पर ऑर्डर देती है हमारी आईसीएफ चेन्नई को, फिर आईसीएफ चेन्नई उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सारे कोचेस बनाती है, फिर ये कोचेस जो है जाते हैं रिट्स के पास में, रिट्स जो है इनको आगे जाकर एक्सपोर्ट कर देती है श्रीलंका को। अब दोस्तों ये सिर्फ पैसेंजर कोचेस ही नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर श्रीलंका के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट फंड कर रही है या फिर इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एक यहाँ पर माहो से लेकर ओहमाहा थाई के बीच में 128 किलोमीटर लंबा एक रेलवे लाइन है जिसको कि अपग्रेड किया जा रहा है। इसी के साथ में माहो से लेकर अनुराधापुरा के बीच में सिग्नलिंग प्रोजेक्ट जो है ये भी इंडिया एग्जीक्यूट कर रहा है। साथ ही साथ में पुगाहा वाले से लेकर करुणागाला के बीच में डबलिंग का काम जो है ये भी इंडिया एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक 13 कोचेस की फुली एयर कंडीशन डेमो ट्रेन जो है ये भी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि अभी आईसीएफ चेन्नई में है, वो वहां से आगे जाकर एक्सपोर्ट की जाएगी श्रीलंका को। तो काफी सारा एक्सपोर्ट यहां पर श्रीलंका में किया जा रहा है। इसके पहले दोस्तों अक्टूबर 2019 में 6 डेमो ट्रेन जो है ये भी रिट्स के द्वारा ट्रांसफर करी गई थी या फिर एक्सपोर्ट करी गई थी। साथ ही साथ में 10 डीजल लोकोमोटिव जो है ये भी जून 2020 में एक्सपोर्ट किए गए थे। अब दोस्तों कोलंबो के अंदर यहां पर इंडिया का जो हाई कमीशन है उनके आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने रिसेंटली ये बताया था कि इंडिया का श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है ये $3.5 बिलियन का है, यानी कि इंडिया ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर वहां पर इन्वेस्ट कर रखा है या फिर वहां पर इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है वो दे रखी है। इसमें स्पेसिफिकली यहां पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। श्रीलंका के अंदर 330 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर सिग्नलिंग का और टेलीकम्युनिकेशन का काम जो है ये इंडिया कर रही है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस, यानी कि रेलवे लाइन का रिकंस्ट्रक्शन करना ये 268 किलोमीटर के ऊपर किया जा रहा है। वहीं 118 किलोमीटर के रूट के ऊपर जो हमारी कोस्टल रेलवे लाइन है उसका भी अपग्रेडेशन का काम जो है ये पूरी तरह से इंडिया ही कर रही है। अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखा है, और ये सभी जो है ये डिफरेंट स्टेजेस पर है इम्प्लीमेंटेशन के। आगे जाकर हम लोगों को श्रीलंका के अंदर और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 160 पैसेंजर कोचेज जो है ये एक्सपोर्ट किए जाने वाले थे, जिसमें से 80 ऑलरेडी जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं। एक डेमो ट्रेन जो है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों को श्रीलंका को और भी काफ़ी सारे एक्सपोर्ट जो है ये देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमारे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है इनको काफी अच्छा बूस्ट देने वाली है।
आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मंडे से हम लोग डेवलपमेंट न्यूज़ को जो है उसको वापस से शुरू कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए और हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।